हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क निकालते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। कोई चार्ज अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू है, तो इस चार्ज क्यू को यहां से लेके अगर यहां तक कोई डिस्प्लेस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है डीएल, तो इसपे कितना वर्क डन होता है। तो वर्क डन इक्वल टू, अगर सपोज कीजिए टोटल फोर्स एफ लेता है दोनों फोर्स के कारण, तो एफ डॉट यहाँ पे डीएल वर्क डन होता है। अब देखिए हम लोग कितना निकालते हैं, वर्क डन कितना होता है। अगर पहले फोर्स निकालते कि टोटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है इस चार्ज पे, ये चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है इस चार्ज पे, क्यू इंटू वी क्रॉस वी। यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ये तो मेरा हो गया फोर्स टोटल फोर्स। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इन डॉट डीएल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है डीएल, तो इक्वल टू यहाँ पे फोर्स आ गया क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, और ये यहाँ पे आ गया डीएल। अब डीएल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वी के स्पीड में, क्योंकि स्पीड इक्वल टू कितना होता है डीएल अपॉन डीटी होता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डीएल इक्वल टू हम लोग वी डीटी लिख सकते हैं। तो डीएल के प्लेस पे क्यू को बाहर कर लेते हैं, तो क्यू इंटू कितना हो जाएगा ई प्लस वी क्रॉस वी डॉट वी डीटी। अब दोनों को यहाँ पे हम लोग अलग अलग करते हैं, कितना हो जाएगा क्यू ई डॉट वी डी टी प्लस ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस वी डॉट वी डी टी। मैंने साथ साथ कर दिया, नहीं तो इसको चाहिए तो हमेशा अभी सेपरेट मत कीजिए। तो क्यू ई कल जो होता है क्यू डॉट क्यू ई डॉट वी डॉट और वी टी डी टी हो गया, फिर यहाँ पे क्यू इंटू वी क्रॉस वी डॉट वी। अब फिर वेक्टर्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल से वी वी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी में अगर दो जब सेम होता है तो ये पार्ट जीरो होता है, तो ये वो पार्ट हो जाएगा जीरो, ये वाला पार्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू आपका जो वर्क डन था मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला पार्ट जब जीरो होगा, इसका मतलब देखिए v क्रॉस b डॉट b इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब v क्रॉस b मतलब q परपेंडिकुलर v हो गया, यहाँ पे करके ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है, और ये स्पीड। इसका मतलब जब कोई चार्ज यहाँ मूव कर रहा था तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर मूव इधर करता है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स और हम यहाँ पे डायरेक्शन हो गया। तो वर्क डन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, अगर मैग्नेटिक फोर्स के कारण हम डब्ल्यू एम मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये भी यहाँ पे लेते ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो कोई वर्क नहीं करता। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं ला सकता है, ना तो उसके स्पीड को घटा सकता है ना उसके स्पीड को बढ़ा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कौन इफेक्टिव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से हम लोग चलते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ई डॉट वी डी टी। अब देखते हैं कि पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन होता है, तो पर यूनिट टाइम हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, इसे लुक रब कर देते हैं। पर यूनिट टाइम मतलब पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इक्वल टू, अब यहाँ पे टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया डीटी से, तो ये बच जाएगा क्यू ई डॉट वी इक्वल टू। अब क्यू का कितना हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है रो यूनिट वॉल्यूम में डीवी, यूनिट वॉल्यूम में रो था, पूरे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल से डिवाइड करते हैं, और ये ई डॉट वी था, इसको हम लोग सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ये हो गया ई, और यहाँ पे रो वी लिखते हैं, ये हो जाएगा
डी वी। अब रो वी इक्वल टू कितना होता है देखिए, ये यहां से हम लोग रो वी लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो रो इक्वल टू होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब जो चार्ज होता है डी क्यू, रो और वी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा चार्ज डी क्यू, मान लीजिए वी का मतलब होता है एरिया इन टू लेंथ या हाइट, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी। अब इक्वल टू यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वी वी है लो, ये स्पीड है और स्पीड का कितना होता है डीएल अपॉन डी टी, तो ये डीएल डीएल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन ई, ये डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा करेंट करेंट अपॉन एरिया, तो करेंट अपॉन एरिया कितना होता है करेंट डेंसिटी जे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ई डॉट जे, ये वॉल्यूम, ये जो मेरे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी टी या पावर इक्वल टू आता है ये ई डॉट जे डी वी। अब हमको इसमें निकालना है कि ई डॉट जे जो पावर आता है वर्ल्ड का ई डॉट जे, अब यहाँ पे हमको जे का वैल्यू निकालना, जे कहां से आता है तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे, मैक्सवेल किस इक्वेशन में आता है तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में था कि जियो सॉन से चलते हैं डेट पे, कौन करता है फोर्थ में, मतलब मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे। अब इसको तो इक्वेशन ले लेते हैं, अब देखिये फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन से था कि कर्ल एच हॉर्स पे बैठता है इक्वल टू जियो सॉन से चलते हैं डेट पे, यहां से हम लोग ये करते हैं। अब ये इक्वल टू डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होता है एप्सिलॉन ई, तो जे प्लस ये एप्सिलॉन ई इनटू डेल्टा, एप्सिलॉन कांस्टेंट को बाहर कर लो, इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल्टा, ये इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, तो ये कर्ली आ गया। अब कर्ली का हमको चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए जे, क्योंकि हमको इस वैल्यू को ही निकालना होता है, इसको हमको इस इक्वेशन को रखना है, इसके अकॉर्डिंग अब चलना है, तो हमको ई डॉट जे चाहिए, तो पहले हमको चाहिए जे, जे कहां से आ गया, अब इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से, तो जे इक्वल टू ये आ जाएगा इधर कर्ल, हम लोग कर्ल को क्या ले सकते हैं कर्ल डेल क्रॉस, डेल क्रॉस पिछला वीडियो जैसे मैंने बताया कर्ल मतलब डेल क्रॉस, ये कर्ल एच इसको इस तरफ करते हैं माइनस ई डेल ई अपॉन डेल टी, हमेशा डेल क्रॉस लिखेंगे लेकिन माइंड में कर्ल आना चाहिए, उससे आसानी होती समझने में, तो ई डेल ई अपॉन डेल टी। अब क्या करेंगे हमको ई जे तो आ गया, अब ई डॉट चाहिए, इसका मतलब डायवर्जेंस लेते हैं किसके साथ ई के साथ, तो दोनों तरफ ई डॉट लगाते हैं, उसको रब कर देते हैं, अब ई डॉट हमको निकालना है, तो E डॉट लगा दोनों तरफ डाइवर्जेंस करते E डॉट J इक्वल टू ये हो जाएगा E डॉट डेल क्रॉस H माइनस E डॉट लगाना तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो ये स्टिफ डिक्स लेते E डॉट ये हो गया एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, इसको चाहिए एक स्टेप और लिखते यहां पर लिखते E डॉट डेल क्रॉस H माइनस ये रिप्लेस कर देते हम लोग कॉन्स्टेंट किया एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अब इस इक्वेशन को ई डॉट डेल क्रॉस एच चाहिए था, अब उसके लिए क्या करेंगे इस इक्वेशन को वन अगर लीजिए इसको टू ले लीजिए ये इक्वेशन थ्री हो गया। अब हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी का यूज करते हैं, आइडेंटिटी में कितना होता है डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू होता है यहां पे एच एच डॉट, इसको यहां पे रिप्लेस करते हैं और ये यहां पे चला है एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, ये होता है इसको याद रखने के लिए हम बताते हैं ये आइडेंटिटी होता है, जैसे अगर हमको डॉट होता है इसी वन में डॉट होता है तो हम लोग क्या करते हैं साइड से कहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए किनारे या कोई दलदल जमीन है तो क्या करते हैं हम लोग पहले किनारे किनारे चलते हैं साइड से होता है, तो इसीलिए हम लोग पहले साइड वाले का यूज करते हैं, तो राइट साइड वाला का इसके नजदीक वाले दूर दूर से चलते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक कर जैसे यहाँ पे करते हैं ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा डेल क्रॉस, अंदर हमेशा क्रॉस होगा डेल क्रॉस, फिर जब ये लिख दिए फिर उसके बाद
दूसरा पार्ट में उसके बाद ये ले जाते, फिर कितना हो जाएगा माइनस ई डॉट अथवा डेल क्रॉस एच होता है। मुझे क्या चाहिए ई डॉट डेल क्रॉस एच, तो यहाँ पे ई डॉट क्या है ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, इसको इधर ले जाते हैं बाद में किधर ले जाते हैं, तो ये ई डॉट कितना हो जाएगा यहां से ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो यहां पे एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ये जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच। अब इसका हमको यूज करना है, ये इक्वेशन आ गया 2, 3 था, ये इक्वेशन 4 आ गया, अब 2 को हमको इसमें 4 भी यूज करना है क्योंकि हमको जब इसको वैल्यू पुट करेंगे 2 का 4 में, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब इसका हम लोग यूज करते हैं ये e डॉट j आ गया यहां पे, तो e डॉट j इक्वल टू कितना होगा e डॉट j इक्वल टू, मैंने इसका यूज किया है किसमें, इसमें इसके लिए स्किप कर दिया, तो e डॉट j इक्वल टू आता है e डॉट, अब ये देखिए e डॉट j के बदले प्लेस में होगा h डॉट डेल क्रॉस e माइनस डेल डॉट e क्रॉस h, और यहां पे हो जाएगा माइनस ये बोल एप्सिलॉन ई डॉट डेली अपॉन डेल डी। अक्सर ये पार्ट छूट जाता है, जब लिखने लगते हैं तो ये दोनों पार्ट लिख जाता है, उसके बाद ये पार्ट छूट जाता है, इसको ध्यान रखना यहाँ पे कि ई डॉट जे इक्वल टू वाला पार्ट आ गया, तो ई डॉट डेल क्रॉस एच, तो मैंने इसका वैल्यू यहां से रख दिया, और जो लास्ट टर्म था ये वाला इक्वेशन। अब देखिए हमको ई डॉट जे आ गया, इसी इक्वेशन को हमको बेस बनाना, ई डॉट जो क्या करते हम लोग इंटीग्रेट लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल लिखते हैं और जो होगा उसको हम लोग पावर लिख देंगे, उसको मिटाना। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा ई डॉट जे डी वी इक्वल टू, ये वॉल्यूम इंटीग्रल सबको वॉल्यूम इंटीग्रल लगाते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल एच डॉट डेल क्रॉस ई वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी, और यहां पे माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सलेन ई डॉट डेली अपॉन डेल टी, यहाँ पे डी सारे वॉल्यूम इंटीग्रल मैंने लगा दिया, जो वॉल्यूम इंटीग्रल था ये कितना था ये पावर था, तो इसको हम लोग पावर लिख सकते हैं अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू, यही था ई डॉट जे जो वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट जे डी वी इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए फिर ई डेल डॉट यहाँ पे एच डॉट करके है डेल क्रॉस ए, और यहाँ पे डेल डॉट ये करके, तो जब भी डेल डॉट करके थे इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को एक तरफ लिख दें, तो जब भी हम लोग यहाँ पे एच डॉट करके लेते हैं कहां पे था एच डॉट करके ये वाला, अब ये देखिए एच डॉट करके इसको हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं डेल क्रॉस ई मतलब कर्ली, मैक्सवेल कौन सा इक्वेशन था कर्ली एलिफेंट का पुश पकड़ता था, तो माइनस वहां पे कौन सा था तीसरा बाय था, और कर्ली इक्वल टू कितना माइनस डेल बी अपॉन डेल डी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल एच डॉट माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ये हो जाएगा ई क्रॉस एच डी वी, और माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ये एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी डी वी सारे वॉल्यूम इंटीग्रल, इस दोनों को एक साथ देते इसको साइड कर देते, अब ये देखिए माइनस है तो इसको माइनस हम लोग कर देते थे, अब बी इक्वल टू म्यू एच कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग v इक्वल टू म्यू एच कर देते हैं, इसको लिखते हैं माइनस डेल अपॉन डेल टी पहले कर लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल टी बाहर कर लेते हैं डेल अपॉन डेल टी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा h डॉट, और ये b इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं म्यू h डेल अपॉन डेल टी, यहां पे एक मिनट यहां पे जितना h था इसको v एच एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये माइनस कर देते हैं डेल, और यहां पे बी इक्वल टू मी एच ये लिख देते हैं, ये जगह वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब एच डॉट डेल एच अपॉन डेल बी इक्वल टू मी एच हमने कर दिया है यहां पे एच डी बाद बाकी, अब इसको पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल यहां पे अब सलेन ई डॉट डेल ई डी टी डी वी, और माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट E क्रॉस एच डी इक्वल टू, अब देख यहां पे जो H डॉट ये वाला पार्ट होता है ये जो पार्ट है ये इक्वल टू कितना होगा,
तो एच डॉट जब करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाता है म्यू को बाहर ही हम इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं, माइनस या रहने दीजिए माइनस न्यू, ये हो जाएगा डेल एच टू अपॉन डेल टी और यहाँ पे डी भी आता है। फिर सिमिलरली यहाँ पे अवसलन जब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डेल ए टू डेल टी डी वी और यहाँ पे है टू से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेगा, क्यों वही बताते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी जो एचडी था वहां पर लोगों ने लिख दिया। अब देखिए कितना ऊपर ये कहां से हाफ होता है, जब यहां पे हम लोग निकाल रहे डेल एच टू अपॉन डेल टू को इक्वल टू लिख सकते हैं कि डेल तो डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा टू एच डेल एच अपॉन डेल टी होता है। इसलिए यहां पर कितना होगा एच डॉट डेल टी कितना हो जाएगा एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल टू, मैंने पहले इसको लिख दिया था टू से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हाफ डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया। सिमिलरली इसको यूज किया और यहाँ पे ये माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच है। अब इसको हम लोग ऊपर लिख दे फिर पावर इसको मिटाना पड़ेगा तो फिर ये पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये पूरा टर्न पावर इक्वल टू ये ई डॉट जे डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू अब कितना आ जाएगा यहां पे माइनस अब म्यू कॉन्स्टेंट बाहर करते हैं डेल अपॉन डेल टी को बाहर तो यहां पे माइनस डेल अपॉन डेल टी ये जो डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर है ये इंटीग्रल इसको हम इंटरचेंज करते हैं मतलब इसको यहां पे ले आते हैं इंटीग्रल को यहां ले आते हैं और म्यू कॉन्स्टेंट है तो एक तरफ लिखते हैं ये इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल है सब तो वॉल्यूम इंटीग्रल म्यू एच स्क्वायर अपॉन टू डी वी माइनस डेल अपॉन डेल टी ये हो गया। सिमिलरली यहां पे डेल अपॉन डेल टी इधर ले आते हैं बाहर करते हैं और इंटीग्रल को यहां ले आते हैं तो कितना हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन टू डी वी और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी। तो इसको हम लोग अगर सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहेगा तो हम लोग जैसे यहां पे करते थे कि सरफेस से वॉल्यूम में आते थे सरफेस का कितना होता था एरिया ए क्रॉस बी वॉल्यूम में कितना होता था ए क्रॉस बी डॉट सी मतलब डॉट लगा थे डेल के साथ तो सिमिलरली अगर रिवर्स भी जाएंगे तो यहाँ पे डेल डॉट हटा दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे हम लोग सरफेस इंटीग्रल करें तो वॉल्यूम इंटीग्रल है जब सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम से सरफेस में जाएगा तो ये डेल डॉट हट जाता है जब डेल डॉट हटेगा तो क्या बचेगा ई क्रॉस एच तो ये ई क्रॉस एच ये भी गॉस डाइवर्जेंस का ही ई क्रॉस एच और डीवी अब तो हट जाएगा यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है तो ये हो जाएगा डी एस। तो ये जो फॉर्म है यही है पोन्टिंग थ्योरम ये पोन्टिंग थ्योरम ये फर्स्ट टर्म डिनोट करता है ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ये होता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर्ड होता है और ये होता है कि जिस सर्फेस से कोई पास आउट होता है कोई वॉल्यूम वी का है और उसे किसी सर्फेस से होकर के एनर्जी जो बाहर की तरफ जाता है पास आउट ये होता है वर्क टर्न। जब अगर वर्क टर्न होता है पावर का एक में लिखा था पी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जब वर्क टर्न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पे तो उसका होता है कि एनर्जी का वहां पे लॉस होता है मतलब कन्वर्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम को डिनोट करता है वर्क होकर यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज कर दिया था तो जिस रेट से वर्क डन होगा उसी रेट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा और जिस सरफेस जाता है वो भी माइनस में होता है। अब इसी के साथ है कि पोन्टिंग वेक्टर क्या होता है यही पोन्टिंग वेक्टर है ये जो है ई क्रॉस एच इसको हम लोग पोन्टिंग वेक्टर भी कहते हैं तो पोन्टिंग थ्योरम हो गया। और पोन्टिंग वेक्टर होता है कि जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो एनर्जी फ्लो आउट होता है सपोज कीजिए कि अगर ये हमने बॉक्स बना दिया ये वॉल्यूम वी हो गया और किसी सरफेस से जो जाता है अगर एनर्जी यहां पे जाता है तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी का फ्लो आउट होता है उसी को हम लोग पोन्टिंग वेक्टर जनरली हम लोग इसको एस से डिनोट करते हैं और एस
इक्वल टू ई क्रॉस एच सेप होता है। तो ये एस इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर होता है। इसको इमेजिन करने के लिए सपोज कीजिए कि अगर कोई इधर करंट पास करता है और यूनिट एरिया का हम लोग देते हैं, यूनिट लेंथ एंड यूनिट वेट्स का लेते हैं, एल ए और बी दोनों का मतलब ए क्रॉस बी एरिया लेते हैं, तो ये भी यूनिट का, ये भी यूनिट एरिया का, मतलब एक स्क्वायर का कार्डबोर्ड सपोज कीजिए, स्क्वायर कार्डबोर्ड हो गया और इसमें एनर्जी को हमने क्या कर दिया, जस्ट लाइक फेविकॉल का एक लेप लगा दिया, तो जितना एनर्जी उसमें टेस्ट है और जितने फास्ट जस्ट लाइक स्लाइड पास करता है, तो जितना पास होता है वही मेरा पॉइंटिंग थ्योरम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में होगा जितना एनर्जी पर सेकंड कितना फ्रेश करता, अगर 50 करता है तो उसका पॉइंटिंग थ्योरम कितना होगा, 50 हो जाएगा, 60 तो 60 मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। हमेशा जब भी यूनिट एरिया हो तो इमेजिन कर लेगा यूनिट एरिया का कार्डबोर्ड स्क्वायर जो हमेशा पास आउट होता है अपने साथ कितना एनर्जी को फ्लो आउट करता है। तो ये हो गया पॉइंटिंग वेक्टर और ये पॉइंटिंग थ्योरम। इस तरह किसको डिनोट करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को डिनोट करता है और ये तरह का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। थैंक यू।